है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप सेहतमंद हैं और सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये नया महीना है और जैसे आप जानते हैं नए महीने में हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और इस महीने का टॉपिक जो है वो बहुत दिलचस्प है। यीशु ने कहा जो दूसरी बहुत महाआज्ञा जो है, बड़ी महाआज्ञा है, वो ये है कि अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करना जैसे हम खुद से करते हैं। वैसे सुनाई तो आसान देता है लेकिन इतना आसान है नहीं। इसी विषय को और करीब से हम जानने वाले हैं। इससे पहले कि एपिसोड को आगे बढ़ाए, आइए दोस्तों, रिबेका हमें बता रही है कि इस पूरे महीने हमारे एक नई जिंदगी में क्या एक्साइटिंग थिंग्स हमारे लिए लाइंड अप है। जब कोई हमारे जैसा नहीं दिखता या उसकी सोच, उसकी बोली, उसका रहन सहन हमसे अलग होता है तो हम अक्सर उससे एक दूरी बना लेते हैं या उसे एक अलग नजर से देखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमसे अलग है। दोस्तों, ऑनलाइन जिंदगी में भी ये दूरी दिखाई देती है। बहुत सारे हेट मैसेजेस हम पढ़ते हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा हैं और प्यार कम। अपने को तो हम बहुत प्रेम करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, अपने लिए कमाते हैं, खाते हैं। क्या यही सब कुछ हम अपने पड़ोसी के लिए भी करते हैं? परमेश्वर को पता था कि हमारे लिए करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इसे एक महान आज्ञा, एक मुख्य आज्ञा के तौर पर हमें दिया है जिसे हमें इंटेंशनली ओबे करना है। और ये हम कैसे करेंगे, इस महीने हम एक नई जिंदगी पर जानेंगे और सीखेंगे। और उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं और वो सबकी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। जब वो इस बात को बोल रहे थे तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर पाएंगे। लव योर नेबर एज योरसेल्फ का परफेक्ट एग्जांपल कौन है? द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, बिना किसी भेदभाव के लिए हम सब के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो क्यों ना हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह से सीखें कि हम एक अच्छे पड़ोसी कैसे बन सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपके मन में या आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि हम सब अच्छे पड़ोसी बन सकें। एंड एज ऑलवेज फ्रेंड्स, इस महीने भी हम दो चर्चेस की खूबसूरत वॉइस के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति के गीत सुनेंगे। एंड डू शेयर दी सॉन्ग्स विद योर लव्ड वंस, आपकी जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी आप इन गीतों को शेयर करें ताकि वो भी इन्हें सुनकर आशीष पाए। और 1 मार्च को आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलकर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। ऐसी महिलाओं से मुलाकात करेंगे जिन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में पोजीशन हासिल की है और साथ ही इनके लिए हम प्रार्थना भी करें। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, मेरे स्टाफ को, मेरे जो महिलाएं कर्मचारी मेरे साथ काम करती हैं, उन सबको मैं एम्पावर कर सकूं। दोस्तों, हम इस खूबसूरत भारत देश में रहते हैं जहां अलग अलग भाषाओं के, कल्चर्स के लोग भी हमारे साथ रहते हैं। शायद हम चूज नहीं कर सकते कि कल हमारा इंटरेक्शन किससे हो, लेकिन जो भी परमेश्वर हमारे संपर्क में जिसे भी लेकर के आए, हम उनके साथ एक अच्छे पड़ोसी बने। Let us be good neighbors. थैंक यू रिबेका, इतनी खूबसूरती से हमें समझाने के लिए कि क्या क्या आने वाले महीने में होने वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना कि हम हैं।
और इस पूरे महीने हम इस विषय को और करीब से देखेंगे, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि व्हाट इट इज़ टू लव योर नेबर। आप समझिए छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको एक खूबसूरत कहानी बताने वाले हैं एक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने हद को पार किया दूसरों की मदद करने में। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे हमने कहा, इस पूरे महीने, इस न्यू मंथ लॉन्ग सीरीज में हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं, लव योर नेबर एज योरसेल्फ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कमांड गिवन बाय जीसस, रिबेका। जी बिल्कुल, और हम सब, हमारे दर्शक और हम, कहीं ना कहीं अपने जीवन में इस कमांडमेंट को फॉलो करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद परमेश्वर को पता था कि हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसे कमांडमेंट के तौर पर हमें दिया है और हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम इसे फॉलो करें, परमेश्वर से सहायता पाकर हम इसे फॉलो करें। यस दोस्तों, और हम इसलिए इसे फॉलो करते हैं क्योंकि यीशु ने इस कमांडमेंट को बहुत अहमियत दी। क्या आप जानते हैं ये जो आज्ञा है, ये पुराने करार में 613 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। तो दो आज्ञाएं जो यीशु ने दी, परमेश्वर से पूरे ताकत से, मन से, हृदय से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। ये दोनों ही आज्ञाएं 613 आज्ञाओं में से एक है। लेकिन जब यीशु ने इसको, इसका जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि अगर ये दो आज्ञाएं आपने पूरी की है तो मानो कि पूरा 613 आज्ञाएं आपने माना है। So that shows how important it is, Rahul, for us to follow this commandment and to apply it in our lives. और दोस्तों, ऐसा ही कर रहे हैं अरुण बैप्टिस्ट, जिनकी सच्ची कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इनसे मिलकर आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी और आप भी इस आज्ञा को अपने जीवन में फॉलो करने के लिए इंकरेजमेंट पाएंगे। तो आइए इनसे मिलें और देखें कि किस तरह ये इस आज्ञा को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। अरुण बैप्टिस्ट पेशे से एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं। अरुण हमेशा लोगों की मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए आगे रहते हैं, इस कारण वो सबके चहेते भी हैं। उन्हें इसकी प्रेरणा कहां से मिली, आइए जानें। मुझे बचपन से सिखाया गया, मेरे परिवार से, मुझे चर्च से सिखाया गया है कि लोगों से अच्छा मिलो, अच्छी बातचीत करो, उनके सुख दुख का साथी बनो और वो जो उनकी परेशानियां उनको दूर करो, या अच्छे वक्त में हो या बुरे वक्त में हो। उन्होंने जो मुझे सिखाया है उसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसकी शुरुआत एक हादसे से हुई थी। मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। मेरी उम्र होगी उस वक्त लगभग 14 से 15 वर्ष की। हमारे घर के पास से एक ट्रैक गुजर रहा है, रेलवे ट्रैक, उसमें एक व्यक्ति की ट्रेन से एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई थी। लोग उसे देखना आए, देखकर चले गए, लेकिन जैसे ही जब उसको उठाने की बात आई, पुलिसकर्मी को मैंने बोला कि सर ये मैं लाश उठा के साइड में मैं कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं। पुलिसकर्मी मेरे से इतना खुश हुआ कि उसने इनामी तौर पर मुझे उस टाइम 101 रुपया दिया था, जो मैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैंने उसको लेने के लिए मना कर दिया, ये मैं पैसे नहीं लूँगा। बोले नहीं बेटा, ये तेरे को पैसे नहीं दे रहा हूँ, ये आपको इस चीज़ काम करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा हूँ कि ऐसा आगे भी काम करते रहना। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम दूसरों से प्यार करो, यही वचन मेरे जीवन का सार है। उस समय से लेकर अब तक अरुण बैप्टिस्ट ने कई ऐसी जगहों पर अपने साहस का परिचय दिया और कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद की है। मैं फिलहाल ही एक घटना से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। पेट्रोल पंप पे यहाँ पर सीएनजी गैस लीक होने की वजह से
एक जोरदार धमाका हुआ जिसके अंदर कम लगभग 12 व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गए थे। पुलिसकर्मियों ने बोला हमारी हेल्प कर दो, तो मैं इसको निकाल देते हैं। उसने परमेश्वर ने शक्ति दी, कोई हेल्प ले आगे नहीं आया, तो मुझको अकेले ही कार्य करना था, लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य से ये काम आसानी से मैं पूर्ण कर पाया। उसके बाद में पुलिसकर्मी और वहाँ पे खड़े हुए व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति और लोग थे, उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाकर मेरे को प्रोत्साहित किया। जिसके बाद अरुण के साथियों ने, उनके स्टूडेंट्स और परिवार सहित क्षेत्र के लोगों ने उनका सम्मान किया। बुरे वक्त में लोगों के काम आना ही अरुण बैप्टिस्ट के जीवन का एक मकसद है। बहुत अच्छा लगा अरुण जी से मुलाकात करके, और राहुल उन्होंने वो वचन बताया दैट वी हैव टू लव वन अनदर एज द लॉर्ड हैज लव्ड अस, एज गॉड हैज लव्ड अस। दैट इज़ अ स्टैंडर्ड जो हमें फॉलो करना है दोस्तों। Yes. जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसी तरह हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। वाकई में अरुण जी ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया है, और जब कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था वो आगे आए, और अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन का ये मकसद बना लिया है कि वो दूसरों की मदद करेंगे, खासकर वो जो मजबूर या लाचार है। दोस्तों अब उम्मीद करते हैं इस कहानी से हम सिर्फ प्रेरणा ही नहीं पाए, लेकिन हम भी अब प्रोत्साहित और उत्साहित हो जाए कि हम भी ऐसा कुछ किसी और के लिए करें। जी बिल्कुल, और परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें और प्रेम दिखाएं एक दूसरे को। तो दोस्तों आज से ही हम ठान लें कि हम इस आज्ञा को कॉन्शियसली और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और एक दूसरे से अपने समान प्रेम करेंगे। यस, दोस्तों जब हम इस आज्ञा के बारे में सुनते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो, वैसे ही उसी स्तर पर तुम्हें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, हमारे जहन में एक कहानी आती है और वो है लूका 10 की, है ना। इसी कहानी में यीशु ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन यीशु अपने शिष्यों के बीच में सिखा रहे थे, एक भीड़ भी वहाँ पर थी, और उसके बीच में एक न्याय शास्त्री आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने करार में बहुत ज्ञानी है, और वो यीशु से एक सवाल करता है। वो पूछता है कि अगर मुझे अनंत काल का जीवन पाना है तो मुझे क्या करना होगा। और यीशु उससे कहता है तू तो न्याय शास्त्री है, तेरी समझ इतनी है, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू कैसे पुराने करार को देखता है, तू कैसे समझता है परमेश्वर के वचनों को। तब वो ये कहता है कि दो आज्ञाएं जो बहुत महान है वो है, एक अपने पड़ोसी से प्रेम करना और परमेश्वर से प्रेम करना और अपने समान। तो वो तब यीशु से एक सवाल करता है, वो कहता है मेरा पड़ोसी कौन है। आज्ञा तो आपने दे दी, लेकिन मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा पड़ोसी कौन है। कई बार जब हम ये आज्ञा सुनते हैं तो शायद ऐसा ही सवाल हमारे जहन में भी आया होगा, और तब यीशु ये कहानी सुनाता है जिसको आज हम बहुत प्रसिद्ध नाम से जानते हैं, एक भले सामरी की कहानी। और कहानी के अलग अलग पहलू है, एक पहलू को मैं आज छूना चाहता हूँ, वो है एक यात्री की कहानी। वो यात्री है जो निकल पड़ता है और दुर्घटना से अफसोस से वो चोरों के हाथ लगता है, डाकू लुटेरों के हाथों लगता है, और उसकी कोई गलती नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा होता है ना दोस्तों, कभी कभी हम कुछ गुनाह कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं जिसकी सज़ा हमें मिलती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है लेकिन उसकी सज़ा भी हमें मिली है। जैसे मौजूदा हालात को ही देखिए, इस महामारी में हमने कुछ नहीं किया जिस वजह से कि ये महामारी हम पर आए, लेकिन इस महामारी की चपेट में हम सब आ गए हैं। ऐसे में हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत है। बहुत खूबसूरती से पौलुस फिलिपियों के दूसरे अध्याय 4 वचन में एक बात कहता है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों का 2 अध्याय 14 वचन कहता है, फिलिपियन चैप्टर 2:4, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। कितनी खूबसूरत बात है दोस्तों जो पौलुस हमें बता रहा है कि हमें सिर्फ अपने ही फिक्र नहीं करना है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन दूसरों को भी ध्यान में रखना है। और इसी विषय को और विस्तार से हम आने वाले महीने में और करीब से देखने वाले हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हम मिलकर सीखेंगे, और क्योंकि ये करना आसान नहीं है इसलिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, प्रार्थना में मदद की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर से सामर्थ पाएँ और इस आज्ञा को अपने जीवन में अप्लाई करें। और ऐसा करने के लिए अगर आप भी प्रार्थना सहायता चाहते हैं, डू कॉल अस फ्रेंड्स फॉर प्रेयर। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप अगर हमें व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं
तो आप इसी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब समय छोटे से ब्रेक का, जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंची। अभी तक 8 राज्यों के 30 से अधिक चर्चेज ने इसमें हिस्सा लिया। इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं इन्फेंट जीसस चर्च ब्यावर राजस्थान से। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 99104-01010 पर कनेक्ट कीजिए। 99104-01010 या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों, अभी ब्रेक में आपने इन्फेंट जीसस चर्च क्वायर के बारे में जाना। इस क्वायर के गीतों को आप एक नई जिंदगी पर 7 मार्च से 11 मार्च तक सुन सकते हैं, इनसे आशीष पा सकते हैं। तो अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। यस दोस्तों, हमें बेहद खुशी होती है जब आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। ये एक सहभागिता है जिसमें हम विश्वास करते हैं कि जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जी बिल्कुल, और CBN प्रेयर लाइन में आप कॉल करते हैं और अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं और लगातार इनके लिए प्रार्थना होती है, और अब समय है कि उनमें से कुछ रिक्वेस्ट हम आपके साथ भी शेयर करें और आपके सामने पढ़ें। यस दोस्तों, पहला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें सुरेंद्र राणा जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है, और वो कह रहे हैं, मेरे ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरा एम्प्लॉयर मुझे बहुत परेशान करता है, मैं परेशानी में हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सुरेंद्र जी, हम समझ सकते हैं ये चुनौती भरा समय है और ऐसे में बहुत प्रेशर है, और हम आपका प्रेशर भी समझ सकते हैं। इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके कंपनी के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो भी मनमुटाव है, जो भी तनाव है, वो सब प्रभु दूर करेगा। आइए इस साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे नौकरियों के लिए, जो दरवाजे तूने खोले हैं। प्रभु हम समझते हैं ये कठिन समय है सबके लिए, प्रभु किसी के लिए भी ये आसान नहीं है, बहुत तनाव भरा माहौल है, और जो सुरेंद्र जी फेस कर रहे हैं ये उनके लिए आसान नहीं होगा। प्रभु हम चाहते हैं कि तू उन्हें अपनी सांत्वना देगा, साहस देगा, हिम्मत देगा डटे रहने के लिए। प्रभु उनके एम्प्लॉयर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो भी तकलीफ, जो भी चुनौती से वो गुजर रहे हैं, जो भी इस रिश्ते में एक चुनौती है उसे तू हल कर प्रभु, ताकि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप वो कायम कर सके। जो भी हम आशीष की भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस कंपनी पर भी और सुरेंद्र जी पर भी, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आमेन। जी, और CBN प्रेयर लाइन में एक और मैसेज आया है मंत चंद्रा जी का, और ये कह रही हैं, मेरे परिवार में बिल्कुल खुशी नहीं है, मेरे पति मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनके पास कोई नौकरी भी नहीं है, हमारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, कृपया हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मंत चंद्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस, और हम समझ सकते हैं इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, लेकिन यही समय है कि आप परमेश्वर का प्रेम दिखाएं अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के साथ, और खास करके अपने पति को वो प्रेम दिखाएं जो परमेश्वर ने आपसे किया है, और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि आप ऐसा कर सकें। आइए इस समय भी हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय मंत चंद्रा जी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं परिवार में, उनके जीवन में, और हम देखते हैं कि उनके पति के साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम मांगते हैं कि वो आपके प्रेम को जान पाएं, और उसी प्रेम को वो अपने पति के साथ और अपने परिवार के साथ बांट सकें। आप उन्हें वो सामर्थ्य दीजिए, वो हिम्मत दीजिए, वो करेज दीजिए, और जो भी उन्हें चाहिए वो इस समय आप दें, ताकि आपके प्रेम को वो दिखा सकें
और हम जानते हैं कि जहाँ आपका प्रेम होगा वहाँ सारी प्रॉब्लम सारे चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। हम ये प्रार्थना आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेकर आते हैं, आप सुने और कबूल करें, आमीन। आमीन, आमीन। दोस्तों शायद आपकी भी कई चुनौतियाँ होंगी जो इस समय शायद जिससे आप गुजर रहे हैं। हिम्मत मत हारें क्योंकि परमेश्वर भला है, वो हमसे प्रेम करता है और इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। जो भी चुनौती का सामना आप कर रहे हैं उसमें परमेश्वर आपको हिम्मत और सामर्थ्य उसका डटकर सामना करने के लिए और उससे उभरने के लिए भी प्रभु ये मुमकिन करें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। दोस्तों स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि जब हम मौत की तराई से भी गुजरते हैं तब तू हमारे साथ होता है प्रभु, तेरा दाहिना हाथ हमें थामे रहता है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए, खास उन लोगों के लिए जो मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सबसे पहले कि उन्हें तेरी उपस्थिति का एहसास हो, वो जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है, इमैनुअल है, वो हमें छोड़ता नहीं, वो हमारे मध्य निवास करता है। और प्रभु तू उन्हें सामर्थ्य और हिम्मत देगा कि जो भी परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं उसका सामना वो डटकर कर सके और तेरे सामर्थ्य हाथ को वो अपने जीवन में देखे प्रभु, वो ब्रेक थ्रूज अपने जीवन में देखे। साथ ही साथ प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ऐसे बनाएगा जो सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं लेकिन दूसरों के हित के बारे में भी सोचे, खासकर इस दौर में प्रभु जहाँ हम सब मिलकर एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमारी मदद कर प्रभु कि हम एक दूसरे का सहारा बने जिसे तेरी इच्छा है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है दूसरों की मदद करने में। जी बिल्कुल। और आइए दोस्तों इस समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के लिए क्या कहता है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते रहे। जैसा हम ये करते हैं तब हम पूरे नियम को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। जी दोस्तों इसलिए हम कॉन्शियसली एक दूसरे से प्रेम करें और ऐसा करने के लिए हम परमेश्वर से मदद और सामर्थ मांगे। तो आप भी CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें और हम आपके साथ मिलकर आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि आप भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकें। यस दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहित हुए हैं। इस पूरे महीने इस विषय को और करीब से हम देखने वाले हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ते रहें और प्रभु में आप बढ़ते जाएं। जी और हमारी यही उम्मीद है कि हम परमेश्वर के और करीब आते रहें। दोस्तों यही गीत हम आपके लेकर आए हैं मार्क त्रिभुवन और कादोश वर्शिपर्स की आवाज़ में और ये गीत है यीशु तेरे करीब आने से। आशा करते हैं कि इस गीत से आप आशीष पाएंगे, परमेश्वर की और नज़दीकी में आएंगे और कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कोई शक में आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के भी जवाब देंगे तो आप जल्दी से अपने सवाल हमें भेज दें। हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाकर डिस्कशन पोर्ट पर अपने सवाल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो समय है आपसे इजाज़त लेने का, कल फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु सहलाया।
डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपना बेटा बना।